नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आर के नए यूट्यूब चैनल में। आज के फिर से एक नई वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना 2022। फ्रेंड, इस योजना से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया गया कि बिहार में जितने भी वार्ड हैं उन वार्ड में एक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाने की बात कही गई थी 15 अप्रैल से, लेकिन इस योजना में कुछ गड़बड़ी आने के कारण इसका डेट आगे बढ़ा दिया गया। यानी अब कब लगेगा इसको लेकर एक अपडेट जारी किया गया था इस योजना से रिलेटेड, यानी सरकार के तरफ से। तो आज की इस वीडियो में बने रहेंगे, यानी कि अब कब से स्टार्ट होगा सोलर लाइट लगना आपके वार्ड में, बिहार के जितने भी वार्ड हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, सोलर लाइट योजना से रिलेटेड एक न्यू अपडेट जारी किया गया है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो में बताएंगे कब से आपके वार्ड में सोलर लाइट लगेगा और कितना लगेगा, उसकी देख रेख कौन करेगा, इससे रिलेटेड सारी बात इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं हैंडमिल लिखा है, जल्द ही दूधिया रोशनी से जगमगाएगी गांव की गलियां, जाने कब से शुरू होगा काम और रिमोट से होगी निगरानी। ठीक है, न्यूज जारी है 15/5/2022 को जारी किया गया था। चलिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और इसमें बतलाएगा सारी बात यहीं से बतलाते हैं। गांव के गलियां दूधिया रोशनी से जगमगाएगी, जहानाबाद जिले की गलियों को रोशन करने के लिए 49 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। यानी जो भी अपडेट आया है फ्रेंड जहानाबाद जिलों के लिए आया है, लेकिन और भी बात कही गई है बाकी जिलों के लिए, बिहार में जितने जिले हैं उनके लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा वो भी बात बता, लेकिन ये जो जहानाबाद जिले के लिए गाया गया है, देख सकते हैं, सोलर लाइट के सहारे गांव में रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। एक वार्ड में 12 पोलों पर लाइट लगेगी, यानी जो भी लाइट लगेगी पोलों पर होगा। वार्डों का सर्वे का काम पूरा हो गया है। DPRO गुलाब हुसैन ने बताया कि जिले में 16,588 स्थानों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी, इनमें 12 वार्ड का बल्ब भी लगाया जाएगा। यानी जो भी लाइट लगाई जाएगी 16,588 स्थानों पर, यानी जगहों पर लगाई जाएगी, इनमें 12 वार्ड का बल्ब भी लगाया जाएगा। ठीक है, ब्रेडा को लाइट लगाने की जिम्मेदारी दी गई, यानी ब्रेडा एक कंपनी का नाम है, जो भी आपके वार्ड में लाइट लगेगा वो ब्रेडा कंपनी के माध्यम से लगेगा। सोलर लाइट लगाने के बाद ही कंपनी को अगले 5 साल तक स्ट्रीट लाइट की देखरेख भी जिम्मेदारी दी गई, यानी जो भी लाइट लगेगा वो ब्रेडा जो कंपनी है उसी को, यानी जो भी आपके वार्ड में लाइट लगेगा ब्रेडा कंपनी है उसको 5 साल तक देखरेख करेगी, यानी चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं ख़राब हुआ तो वही आकर ठीक करेंगे। और कट होने के बाद भी गाँव की गलियाँ सोलर एनर्जी से जगमगा रहेगी, इससे बिजली का भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि शहरों के बाद गाँव में भी स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और भी यहाँ से बात कहीं बतलाई है, देख सकते कब से शुरू होगा काम, और भी यहाँ से बात बताया, बिहार मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 15 अप्रैल 2022 से बिहार के गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने योजना थी। जो भी लाइट लगने की डेट थी हम पहले भी बतला दी, 15 अप्रैल 2022 से लगनी थी, लेकिन कुछ कारणवश यानी लेकिन अभी तक गांव में सोलर लाइट लगाने का तार प्रारंभ नहीं हो सका। राज्य सरकार ने गांव में सोलर लाइट लगाने के लिए बिजली विभाग और ब्रेडा के तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण देना बंद कर दिया है। जहानाबाद जिले के कर्मियों का प्रशिक्षण 19 मई को होगा, यानी जो भी प्रशिक्षण होगा यानी किस तरह लगाना है, यानी जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन होगा 19 मई से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 19 मई से काम स्टार्ट होगा जहानाबाद जिले से, और वह बाकी जिले में बारी बारी से काम होना स्टार्ट हो गया, ऐसा कहना है। ठीक है फ्रेंड, सत्य और माने जो भी आपके गांव में या आपके वार्ड में सोलर लाइट लगा है, देख सकते हो रिमोट से होगी निगरानी, उसका रिमोट से निगरानी अब कैसे होगी इसमें बदला गया। इसमें रिमोट मेंटरिंग सिस्टम लगाया जाएगी ताकि इसके ऑनलाइन निगरानी की जा सके। रिमोट मेंटरिंग के सिस्टम के माध्यम से सोलर लाइट मेंटरिंग सिस्टम के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाइट के काम ठीक से ठीक निगरानी की जाए, यानी जो भी निगरानी होगा लाइट का वो सोलर यानी रिमोट के माध्यम से की जाएगी और उसका देखरेख भी होगा। देख सकते प्रत्येक मुखिया को दी गई थी सर्वे की जिम्मेदारी, ने जो भी इसका सर्वे करना था कि कहाँ पर सोलर लाइट लगेगा, किस किस वार्ड में लगेगा, कौन कौन से जगह में, ये काम मुखिया जी को दी गई थी जो कि इसमें बतलाई। जिले के सभी गांव में इस योजना के तहत सोलर लाइट लगाई जाएगी, इसके लिए पहले से ही प्रत्येक मुखिया को सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सर्वे में गांव और उस जगह का चयन करने का कहा गया था जहां सोलर लाइट लगाई जाए, यानी कि जो भी सर्वे का काम होता है यानी कि कहाँ लाइट लगेगा कहाँ सही रहेगा मुखिया जी को जिम्मेदारी दी गई थी। देख सकते हैं पंचायत प्रतिदिन नहीं दे सकेंगे दखल, इसमें जो भी दखल होगा पैसा को ले जाकर यानी बोलचाल को कि यहाँ नहीं यहाँ पर लगाइए यहाँ पर लगाइए, इसमें कुछ दखल नहीं दे सकते, बस उनको सर्वे का काम दिया गया था जो कि उन लोगों का पूरा हो गया और उनका बात खत्म। ठीक है, इस योजना में पंचायत प्रतिनिधि दखल नहीं दे सकेंगे, जिला अधिकारी अपने स्तर से ही सुनिश्चित कराएंगे कि इसके तहत जिले के 1207 वार्डों के गलियों में रोशनी होगी। प्रत्येक वार्ड में 10 से 15 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। शहरों के तर्ज पर गाँव की गलियाँ और चौराह का रोशनी रखने के मकसद से यह निर्णय लिया गया। ठीक है फ्रेंड, यानी जो भी इसमें दखल यानी जो मुखिया होते हैं वार्ड हो गए सरपंच होते हैं, अब उनको कुछ नहीं कहने के, नहीं यहाँ पर नहीं लगाएंगे, अपने हमने अपने द्वार पर लगाना है, ये मानी
होता है बरियारी करना, इसमें कुछ नहीं कर सकते। यानी जो भी अपडेट दे दिए हैं, यानी जो भी सर्वे का काम कर दिए हैं, बस उतना ही इन लोगों का काम था और बाकी इनका काम नहीं है। जो आएंगे कंपनी वाले वो देखेंगे कहाँ सही है कहाँ गलत है, वही लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, यही अपडेट था फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जहानाबाद जिले के लिए था अपडेट, मानी बाकी जहानाबाद जिले से शुरू होगा और बाकी बिहार में जितने भी जिले हैं बारी बारी से काम शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।